हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडे वीडियो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल बिटकॉइन का जो पंप आया एंड उसके बाद अब हमें टॉप ऑफ सा होता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन तो क्या अब यहाँ पे पुल बैक का टाइम आ गया है या नहीं आया है उसके बारे में बात करेंगे ऑल्सो तो वी विल बी डिस्कसिंग की दुनिया भर के मार्केट्स में क्या चल रहा है किस तरीके से मार्केट का आउटलुक हमें दिख रहा है चलते हैं स्क्रीन की साइड्स एंड देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है तो सीधा चलते हैं बिटकॉइन के फोर चार्ट की साइड जो हम यूजुअली देखते हैं एंड अगर हम अपना यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम अपने रेजिस्टेंस से फाइनली रिजेक्ट हो गए हैं रिजेक्ट होकर हम नीचे आ गए हैं टॉप ऑफ पॉइंट है कल अगर आपको वीडियो याद होगी तो हमने क्या बोला था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम लॉन्ग ले रहे हैं एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे हम शॉर्ट ले रहे हैं तो कल काफी लोगों ने लॉन्ग लिया होगा देख के उस वीडियो को एंड दे आर इन गुड प्रॉफिट काफी लोगों ने शॉर्ट बिल्ड किया होगा एंड वो यहाँ पे थोड़े लॉस में होंगे लेकिन डोंट पर्सनली मैं भी यहां पर शॉर्ट बिल्ड कर रहा हूं एंड दिस इज राइट नाउ थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस में ही चल रहा है तो डिजेंट मैटर हमारा जो मेन एंट्रीज होंगी अभी मैंने हिट भी नहीं करी है जो हम मेन एंट्रीज यहाँ पे लेंगे वो दोबारा से जब ये टॉप ऑफ करेगा वहां पे लेंगे तो या फिर जब वो फॉल हमें कंफर्म दे देगा तो अभी हमने देखा यहाँ पे गया है ठीक है कुछ इस तरीके का मूव हुआ है अब मैं कुछ इस तरीके का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग डाउन क्योंकि हमें एक डबल टॉप रिवर्सल मिल जाएगा ठीक है रिवर्सल होना ही था ये आपको पता है अब यहाँ पे आप या तो लॉन्गर टाइम फ्रेम का शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो या फिर आप मार्केट से साइड रह सकते हो ठीक है दैट इज अप टू यू बात करते हैं कि क्या आज ये डंप पाएगा या फिर कल या परसों आएगा आपके पास और टाइम है तो उसका हमें अंदाजा लग जाता है यूएस के जो मार्केट फ्यूचर्स होते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर्स क्या बोल रहे हैं एस एन पी वगैरह में सब यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहे हैं विद अ पॉजिटिव विक्स इसका मतलब क्या होता है काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है तो विक्स बेसिकली बताती है कि जो यहाँ फ्यूचर्स में दिख रहा है वो किस तरीके से हमें यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ दिखेगा तो जो पॉजिटिव विक्स है वो बता रहा है कि यहाँ पे हल्का सा हमें पंप देखने को मिल सकता है एंड ऑफ द डेज में तो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव में खुलना चाहिए एंड थोड़े टाइम बाद इट शुड गो अप ठीक है तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका रिजल्ट है तो अब यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है मूविंग एवरेज के पास है तो डेट इज डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गेट रिजेक्टेड तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करने का अच्छा मौका मेरे को दिख रहा है ठीक है बाकी इट्स अप टू यू आप बिल्ड करना चाहें या नहीं बिल्ड करना चाहें मेरी को शॉर्ट रिकमेंडेशन में इथीरियम रहेगा इथेरियम मूविंग एवरेज के पास आ गया है कल इसने एक अच्छा अपसाइड मूव लिया नाउ इट्स थोड़ा ठंडा पड़ रहा है तो आप चाहे तो इथेरियम का शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो तो इथेरियम इज ऑन माय लिस्ट बाकी मैं मैटिक का काफी का टाइम से शॉर्ट बिल्ड कर रहा हूँ तो मेरे कुछ और एंट्रीज है जो की अभी जाएंगी अराउंड में जीरो पे थोड़ी और एंट्रीज बिल्ड करूंगा मेरा जो इथीरियम का शॉर्ट है आई माइट ऑल्सो लुक इन इट देखते हैं कि दोनों में से ज्यादातर फॉल का ऑप्शन किसको लग रहा है मुझे तो वैसे मैटिक की साइड ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसका जो मूवमेंट हुआ है काफी स्ट्रेट हुआ है तो ये गिरेगा भी काफी तेजी से एंड इसका मूविंग एवरेज काफी नीचे है तो जीरो 3.79 इज लुकिंग लाइक अ गुड टारगेट फॉर मैटेक तो आप इसको किस तरीके से एंटर करते हो दैट इज थिंग जो आपको इस टाइम पे ध्यान में रखनी है इसके बाद बात करते हैं बीएनबी की बीएनबी को हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सीजेड बीएनबी के प्राइस को कंट्रोल करता है एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइट सीजेड इसके बाद इस पेक्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि वी माइट सी अ रिजेक्शन हेयर मूविंग एवरेज और रेजिस्टेंस के पास है तो अ रिजेक्शन इज कमिंग प्लस हमारे जो फ्यूचर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि एक रिजेक्शन आ रहा है तो सात साढ़े सात के आसपास अगर आप शॉर्ट एंट्रीज लेते हो तो देर इज अ गुड चांस वहां से हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है बात करते हैं डिक्सी की तो डिक्सी अपने सपोर्ट पर है डिक्सी का सपोर्ट हम यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो डिक्सी सपोर्ट पर है ऊपर जाना इसने स्टार्ट कर रहा है मूविंग एवरेज से हो सकता है थोड़ा रिजेक्शन मिले बट अगर ये इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है मूविंग एवरेज को तो डिक्सी यहाँ से ऊपर जाएगा एंड बिटकॉइन है वो साथ साथ नीचे आएगा आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दैट इज अनदर एरिया जहाँ पे आप शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो दैट इज़ बिटकॉइन पे बट मैं बिटकॉइन शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऑल्ट क्वाइंस में ज़्यादा अच्छी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी कंपेयर टू बिटकॉइन बिकॉज द डोमिनेंस इज कंटिन्यूइंग टू गो अप अभी भी लगातार ऊपर जा रही है तो यहाँ पे तो हमें कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए कि हम ऑल्ट को इसमें मेजर ब्लीडिंग अभी देखेंगे ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो इसके बाद हम सोलाना की साइड भी देख सकते हैं दिस इज अनदर गुड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अगर ये वाला एरिया ब्रेक करता है थर्टी वन डॉलर काफी टाइम से इस पर टिका हुआ है अगर ये ब्रेक करेगा तो आप देख सकते हो कार्टस ट्रॉफिक टू ट्वेंटी सिक्स आएगा तो इस पर ध्यान रखना एक अलर्ट लगा कि हम इस पर रख देते हैं जिस दिन ये ब्रेक करेगा उस दिन हम देखते हैं कि शॉर्ट बनता है नहीं बनता है फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं कूल ऑल्सो चेकआउट बाइबिट एक्सचेंज ठीक है बायबिट एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज जो कि काफ़ी फमिलियर है उन लोगों के लिए जो कि अभी एक नए यूजर्स हैं इट्स गुड फॉर न्यू यूजर्स इट्स गुड फॉर ट्रेडर्स क्योंकि मोस्टली यहाँ पे नए यूजर्स ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस हैं यहाँ पे जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका प्राइस काफ़ी अमेच्योर यूजर्स सेट करते हैं तो अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग है तो आपको यहाँ पे एज मिल सकती है उनके अगेंस्ट तो दैट्स वाई बाई बट इज अ गुड एक्सचेंज टू यूज इफ यू आर थोड़े थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस बाकी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं अर्न का फीचर है ट्रेडिंग का है स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग लेवरेज टोकन ट्रेडिंग बॉड सब यहाँ पे अवेलेबल है तो डू चेक इट आउट लिंक आपको नीचे मिल जाएगा एंड दट इज इट फॉर दिस अपडेट गाइज होपली आपको वीडियो अच्छी लगेगी श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सबक्राइब डर चैनल अगर अपने यहाँ पे यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई कोर्स अगर आपको टेक्निकल सीखना है दैज इज इट फॉर दिस वीडियो गाय थैंक यू फॉर वॉच ये बीट गोली तक नीट कब्ज मेरे हथियार पहली चोट मोट के सील जैसे मैं टीमिक टीम नशीला पदार्थ जैसे